सो भाई मैं आ चुका हूँ एक और नए व्लॉग के साथ, और मेरे चैनल का नाम है पहाड़ी एक्सप्लोरर। तो मैं हूँ भी पहाड़ी से, आप पीछे देख सकते हो कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है अभी। तो फिलहाल मैं भी हूँ बैलों के साथ, आई मीन जानवरों के साथ, थोड़े इनको चराने के लिए ले आया था क्योंकि बारिश तीन चार दो एक आज दो दिन से बारिश लगी हुई है और इनके अंदर ही अंदर थे। तो थोड़ा इनको घुमा लेते हैं बाहर, क्योंकि भाई जैसे इंसान है वैसे जानवर भी है, सिर्फ ये बोल नहीं सकते ना उसकी वजह से। तो फिलहाल अभी ये मैं इनको चला रहा हूँ, तो फिलहाल अब एक आधे घंटे बाद इनको अंदर घर ले जाऊँगा, उसके बाद इनको रस्से के साथ बांध दूँगा। तो फिलहाल आप पहाड़ों का व्यू देखिए आप मस्त थोड़ा, तो फिलहाल जिस जगह मैं खड़ा हूँ उस जगह का नज़ारा देख लो आप, कितना बेस्ट आ रहा है फिलहाल। तो भाई जितने मेरी वीडियो देखते हैं ना, पहले सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो फिलहाल मेरा एक और चैनल है दीपू व्लॉगर्स है, तो उसको उस पर जाके सब्सक्राइब कर लेना आप, फेसबुक पेज पर फॉलो कर लेना। तो फिलहाल अभी आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, बड़ा खूबसूरत व्यू। तो आपको मैं व्यू दिखाता हूँ किस हिसाब का मेरी साइड का व्यू है, तो फिलहाल उसके बाद अपना सब्सक्राइब करना। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला था कि व्यू तो व्यू, आप अभी देख लो भाई व्यू, देखो आप व्यू देख लो गाइस, व्यू देखो व्यू व्यू व्यू, क्योंकि भाई इतना वेस्ट व्यू है ना इधर, पहाड़ियाँ देखो यार आप, पहाड़ियाँ ही देखो आप, इतनी सुंदर पहाड़ियाँ गाइस, कहाँ किसको नसीब होती हैं। तो मैं नीचे का नज़ारा थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो भाई देख लो यहाँ पर होता है ठाडल मेला जो कि बहुत ही मशहूर है। तो फिलहाल धुंधलापन देख रहे हो, क्या मस्त मस्त बादल छाए होते हैं इधर हमारी साइड। तो एंड बहुत कुछ, तो कुछ बच्चे इधर भी हैं देख लो भाई, फुल मौज कर रहे हैं एकदम से फुल मौज। तो गाइस मैं आओ व्यू आपने देख लिया, तो फिलहाल मैं अब जानवरों को अपने ऊपर घर को लेके जा रहा हूँ फिलहाल। तो पता नहीं कहाँ कहाँ है भाई, एकदम से कूले छोड़ दिए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो फिलहाल उनके पीछे जा रहा हूँ मैं, फिलहाल दिख तो यहीं पर रहे हैं, पर फिर क्या पता यार, अक्सर फिर भी जानवर है कहीं भी जा सकते हैं, कुछ बोल थोड़ी सकते हैं उनको यार, इनको रोकना पड़ता थोड़ा डंडा दिखा के, नहीं तो ये तो हमारी मानेंगे ही ना, तो उसी वजह से थोड़ा रोकना पड़ता है ना। तो फिलहाल अभी मैं पहुँचने ही वाला हूँ, तो आप देख सकते हो ये जा रहे हैं ऊपर, तो मैं अभी इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। भाई सांस फूल गई यार, चढ़ाई बहुत है, ज़्यादा चढ़ाई पहुँच जाता है। तो गाइस देख लो आप, फिलहाल ये जा रहे हैं सारे के सारे लाइन में, तो मिलते सीधे ऊपर। तो गाइस मैं ऊपर जाने की जगह मम्मी ने बोल दिया कि भाई थोड़ा घास घूस लाना है, तो फिलहाल उधर ही जा रहा हूँ, घास पिलाना ज़रूरी है, अब शाम को डालूंगा कि। तो मम्मी ने बोला कि चलो थोड़ा ये सदा लोग आते को पता होगा कि बंज क्या होता है, आई मीन वो भी एक पेड़ होता है जिसमें से अच्छी घास घूस लगी होती है, फिलहाल उसी को लाने जा रहा हूँ मैं, है ना, पहले देखूँगा काटना पड़ेगा पहले, तो फिर उसी को लाने जाना पड़ेगा। तो आप अभी ये खेत देख सकते हो, खेत ये खेत मटर के लिए तैयार हो रहे हैं, मटर के लिए यहाँ मटर बोए जाएंगे, उसके बाद तबाही, पैसा ही पैसा होगा, एकदम पैसा ही पैसा होगा। तो फिलहाल अभी मैं आगे पहुँच गया हूँ। तो भाई गाइस जितना भी नीचे प्लांट दिख रहा सारा का सारा मेरा ही है, और फिलहाल ये जो है पूरा का पूरा बगीचा है, एकदम बगीचा सेब लग, पर मतलब कि इस बार नोटा दिस इज एप्पल, कुछ एप्पल नहीं लगे हैं, तो इस समय नेक्स्ट ईयर इज ओल्ड एंड एप्पल दिस इज अ खेत, उस टाइम ही लगेंगे ये एप्पल, शायद इस बार नहीं लग पाए क्योंकि जिससे हमने पौधे लिए थे उसने बोला था कि वन ईयर ओल्ड दिस इज प्लांट्स। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, देख लो ऊपर क्या भाई, अरे क्या भाई ऊपर ही कुछ तो था यार, इधर मैंने देखा उसको, सुकून सुकून ही सुकून है गाइस। तो मिलता हूँ सीधे आगे जाके जंगलों में, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा यार, है ना, तो फिर कोई वॉच भी नहीं कर रहा आजकल उसी वजह से। तो गाइस मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ, मैंने बताया था कि आगे जंगलों में, तो देख सकते हो आप जंगल आगे शुरू हो चुका है, मतलब हमारा जंगल ज़्यादा घना नहीं है क्योंकि यहाँ पर कटाव ज़्यादा होता है, रुका बहुत बार भाई, लोग कहाँ ही मानते हैं बातें,
उनको तो सीधे सफाया करना है, सफाया। पहले ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ये और कर रहे, मरने तो मरते हैं भाई, हम भी जा रहे हैं इसमें, हम भी जीव जंतु जा रहे हैं ना। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि मुझे करना है घास, तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा, तो मैं इस ब्लॉग का करता हूँ यहीं पर एंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू सो मच।